हमारे भाई की चिकन बना देंगे। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। गाइस, दिन की शुरुआत हो गई है और सुबह के बजे हैं 8 और मैं आया हूँ टेरिस पे, जैसा कि हमेशा आता हूँ, डेली आता हूँ और डेली एक्सरसाइज करता हूँ और यही उम्मीद आपसे भी लगाता हूँ। मैंने आपसे बोला भी था कि अगर आप मेरा व्लॉग रात को 9 बजे देख रहे हैं तो आप भी प्रण कीजिए कि आप भी सुबह जाके एक्सरसाइज करेंगे। सो आई डोंट नो कितने लोग गए, कितने इंस्पायर हुए, कितने नहीं हुए, बट हाँ, इट्स नॉट अबाउट इंस्पिरेशन, इट्स ऑल अबाउट योर टेक केयर, योर हेल्थ। सो डोंट नीड टू बी इंस्पायर, जस्ट अपने आप से इंस्पायर होइए, अपनी हेल्थ को अच्छा बनाइए और अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। नॉट नेसेसरी कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, बस थोड़ी करनी है, स्टार्ट करनी है, फिर धीरे धीरे जैसे आपका इंटरेस्ट आएगा। एंड गाइज, बिलीव मी, एक बार आप स्टार्ट कर दोगे ना तो आपका इंटरेस्ट अपने आप आ जाएगा और फिर आप कहोगे, मतलब खुद फील करोगे कि हाँ, बहुत मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया और ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। तो बस मेरी यही कोशिश है कि आप इस चीज़ को जल्द से जल्द शुरू करें और उस खुशी का एहसास करें जो सुबह सुबह होती है। मैं समझ सकता हूँ कि सम टाइम होता है कि द रूटीन इज़ क्वाइट बिजी एंड हम थके हारे आते हैं काम करके और सुबह हिम्मत नहीं होती कि एक्सरसाइज भी की जाए। बट हाँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि बहुत सारी करनी है, थोड़ा सा करो, कम से कम 5 या 10 मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते हैं, जैसे हम चाय पीने के लिए और बाकी बातचीत के लिए निकालते हैं, उसी तरह अपनी फिज़िक के लिए तो थोड़ा बहुत निकालना ही चाहिए, अपनी हेल्थ के लिए करना ही चाहिए। ये देखो, प्रिंसेस भी आई है, ये भी विदाउट डिले मेरे साथ आती है, ये देखो। सो दिस इज़ अगेन अ इंस्पिरेशन फॉर मी ऑल्सो, कि मैं इससे भी इंस्पायर होकर आ जाता हूँ कि हाँ, ये देखो, मतलब इसकी इतनी एज है, उसके बाद भी ये थकान महसूस नहीं करती और आती है मेरे साथ रेगुलरली। सो दैट्स वेरी गुड। सो गाइस, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर आपसे दोबारा कैचअप करता हूँ, एक बार फ्लो बन जाए, फिर मैं आपको दोबारा थोड़ा बहुत बीच में लेता हूँ। सो गाइस, मैं स्टार्ट करूँगा थोड़े बहुत वार्म अप से, मतलब स्ट्रेचिंग करेंगे, थोड़ी सी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे ताकि एकदम एक्सरसाइज करने की वजह से कुछ बॉडी में इंजरी ना हो। सो वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे खींचेंगे ताकि नसों में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, जो रात भर सोने के बाद स्टिफनेस आ गई है बॉडी में, उसको थोड़ा सा रिलीज़ करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही हाथों में थोड़ी मूवमेंट देनी है, आप 7 से 8 बार 10 बार ऐसे घुमाएं, फिर उल्टा घुमाएं, तो नसों में जो भी तनाव होगा और जो भी स्टिफनेस होगी वो इस तरह निकल जाएगी। इसी तरह दूसरे हाथ के साथ भी करें और एज यू कैन सी, कुछ स्पेशल नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी एक्सरसाइज करके यू कैन मेक द डिफरेंस लाइक दिस। अब इस तरह हम लोग जो हमारा अपर एरिया है, दिस वन, इसको थोड़ा सा मूवमेंट में लाते हैं। इसमें ये चीज़ जो है फिक्स रहनी चाहिए, देखिए। ये लेग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये भी करना चाहिए। सो गाइस, मैं रिपीटेशन नहीं दिखाता हूँ कि कितने रिपीटेशन हो रहे हैं, ये मैं आपको काट के दिखाता हूँ वीडियो, ताकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बन जाए एंड साथ साथ कुछ छूट भी ना जाए। सो अभी हम ये करेंगे, जितना हो सके पैरों को खोल लिया जाए और पैर स्लिप नहीं होना चाहिए, और कुछ इस तरह से पहले ये देखिए, ये पोर्शन जो है बहुत ज़्यादा दर्द करता है जब स्ट्रेचिंग करते हैं, आपको भी होगा, बट हाँ, सहन करना, ऐसे ऐसे करना है, इस तरह करके आप अपनी कैपेसिटी और स्ट्रेचिंग बढ़ा सकते हैं। तो तकरीबन 30 बार ऐसा करें, 30 बार करने से आपका ये मूवमेंट प्रॉपर हो जाएगा। और गाइस, बाकी एक्सरसाइज मैं कल आपको बताऊंगा, नहीं तो वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि हम फिटनेस व्लॉग बना रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। आज इतना ही दिखाता हूँ, कल बाकी दिखाऊंगा। प्रिंसेस, चलो, चल रहे हैं अभी नीचे, हो गया। सो गाइस, एक्सरसाइज मेरी हो गई है और ये भी चलते हैं नीचे, सब सामान भी रख लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं साथ में, सब लेके भी जाना है, और फैन भी बंद करते हैं, निकलते हैं यहाँ से जल्दी,
ताकि बाकी के काम भी फिनिश करें और फ्री हो के अपने दूसरे कामों में लगे। सो प्रिंसेस चला जा, इसको अपने आप ही आने देते हैं ताकि इसकी स्ट्रेंथ बनी रहे, कमज़ोर नहीं करना है किसी को भी। प्रिंसेस आ जल्दी आ। सो गाइस, जैनेट और आहान के आने का वक्त हो गया है और अभी हम लोग बस यहाँ इंतज़ार ही कर रहे हैं कि फटाक से आ जाएं तो उनको अंदर ले आएं, क्योंकि डैडी तो अभी है नहीं, मार्केट गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे हैं। बस आने वाले हैं 2-3 मिनट में और फिर उनको रिसीव करते हैं। आहान, ये आप भी लाए हो? पैंट कैसे चेंज हो गई तुम्हारी? पानी गिरा दिया था। कौन शरारती है? जैनेट शरारती है। बस वाली दीदी कह रही है दोनों बच्चे शरारती हैं। मुझे तो कुछ नहीं कहा। इसे कुछ नहीं कहा। इसे नहीं कहा? जैनेट, तुम्हारी कंप्लेन आ रही है, देखो। इसकी भी आई है। नहीं, इसकी नहीं आई है बिल्कुल भी। आई है, क्यों सॉरी? नहीं, बस वाली दीदी ने सिर्फ तुम्हारा नाम लिया है। और उस दिन सुनो मेरी बात, उस दिन टीचर ने भी तुम्हारा ही नाम लिया था। तुम बहुत शरारती हो। यू आर सो नॉटी। चेंज कर दिया ना? किसने किया था? किसने किया था चेंज? दीदी ने। बस वाली ने? नहीं, स्कूल वाली ने। जो वॉशरूम में होते हैं ना, वाली दीदी। वॉशरूम में? हां, आप लेने आए करो ना, बस से आप लेने आए करो। बस ये काम रहेगा। बस से लेने आया करो। अच्छा, ताकि वो तुमसे शिकायत करे फिर। कि इसकी कंप्लेन नहीं आई है, जैनेट की कंप्लेन की है। जैनेट की शरारती कंप्लेन होती है ना, क्योंकि जैनेट शरारती है ना। भैया, आज किसी बच्चे से झगड़ा हुआ था? किसको बोला तुमने चिकन बनाएगी? दक्ष को क्या? बस में बोला है? चिकन बना। स्कूल में बोला है या बस में बोला? अभी आते हुए? बेटा, शरारते मत करो ज्यादा। जब स्कूल जा रहे थे तो सुबह तुमने शरारते शुरू कर दी थी? मैंने आहन को बताया। क्या बताया? बाय-बाय के चिकन बना दे। बाय-बाय के मुर्गी बना दे के, इसका मतलब जिसमें रख दिया इसको, जो कि आराम से बैठ पा रही है। इधर रखो, इधर आजा, बाहर आजा। प्रिंस देख रही है। जैनेट, ज्यादा परेशान मत कर उसको। इसको यही रहने दो, खेल रही है। इसको थोड़ी आएगी नहीं, वो डर रही है। उसको घर भी जाना होता है बेटा, उसकी मम्मी इंतजार कर रही है उसका। साफ करी और एसी चलाएंगे तो ठंड भी लग सकती है। नहीं, मत करो ऐसे, वो अपने आप करते हैं। बिल्ली अपने आप साफ रहती है। सो गाइस, शाम का वक्त हो गया है और मेरी एडिटिंग भी आज कंप्लीट हो गई है टाइम पे। सो आई एम नाउ फ्री। अभी जैनेट की पढ़ाई चल रही है क्योंकि कल इसको स्कूल भी जाना है, तो होमवर्क मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा कराता रहता हूँ ताकि ओवर बर्डन ना हो। और मेरा है, और ये देखिए मेरा खाना भी आ चुका है, मैं खाना भी खा लेता हूँ। सो गाइज, आज के व्लॉग में तो बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले विदाउट एनी डिले। सो कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। बाय बाय।